हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी मैदान में डट गई है। आपने अपने उम्मीदवारों की अब तीसरी लिस्ट जारी की है, इसमें 11 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने गढ़ी सांपला किलोई से प्रवीण गुस्थानी को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस से आए बागियों पर दांव खेल रही है। बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी प्रकार बीजेपी छोड़कर आए सुनील राव को अटैली से उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील राव राजकुमार राव के रिश्तेदार हैं। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले भीम सिंह राठी को रादौड़ से उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले जब मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, तो उसमें भी बीजेपी कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया गया था। बीजेपी छोड़कर आए छात्रपाल सिंह को बरवाला से उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं बीजेपी से आए कृष्ण बजाज को थानेश्वर और कांग्रेस से आए जवाहरलाल को बवाल से उम्मीदवार बनाया गया। आम आदमी पार्टी अब कुल 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और साथ ही बीजेपी कांग्रेस के 6 बागियों को टिकट दे चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इलेक्शन कमीशन यानी कि ECI ने नया शेड्यूल जारी किया है, जहां नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं बता दें कि जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, इससे पहले 1 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी थी और 4 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया जाना था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।